नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव न्यूज 24 में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ओवैसी के उस बयान की, या यूं कह सकते हैं कि जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे कल दिनांक 25 जून 2024 को संसद भवन के अंदर, और उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इसके बाद तो भूकंप सा आ गया। आपको बताएं, पूरे राजनीतिक गलियारे से लेकर के देश विदेश तक ओवैसी ही ओवैसी दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल आपको ये पता होगा कि ओवैसी अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा का बिंदु रहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ओवैसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके एक एक बयान का बड़ी बारीकी से मीडिया से लेकर के सामान्य जनमानस में विश्लेषण होता रहा है। बात जब करते हैं ओवैसी की, तो कल के ओवैसी के बयान के बाद इसके कई निहितार्थ निकल के आ रहे हैं। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। पहला ये कि क्या ओवैसी का ये बयान जो है, या शपथ ग्रहण के समय जो इन शब्दों का प्रयोग किया गया, जय फलस्तीन, इसके बाद इनकी सदस्यता जाएगी या रहेगी, इस पर बात हो रही है। फिलहाल हमारे साथ वीडियो बने रहे, हम बात करेंगे कि ओवैसी की सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, ओवैसी के इस बयान से ओवैसी को कितना फायदा है, और ओवैसी के इस बयान से भाजपा को कितना फायदा है। इसका राजनीतिक फायदा क्या भाजपा और ओवैसी को मिलेगा, या अन्य विपक्षी दलों को भी मिलेगा, इन सारे विषयों पर हम बात करते हैं, और आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हम पहले बात करते हैं कि ओवैसी के इस बयान के बाद क्या ओवैसी की सदस्यता जा सकती है। तो आपको बता दें कि विनीत जिंदल नाम के एडवोकेट ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत इनकी सदस्यता जानी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102D के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से उसका वर्णन है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, या किसी अन्य देश में रहता है, या किसी अन्य देश की नागरिकता ले चुका है, यदि वह इस प्रकार भारत की संसद में कोई बयान देता है, तभी उस पर कार्रवाई की जा सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन ओवैसी तो भारत के नागरिक हैं और भारत की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, तो फिलहाल ये एक बेजा बातें हैं कि उनकी सदस्यता जाएगी। एक बात तो स्पष्ट है कि ओवैसी की सदस्यता नहीं जाने वाली है। दूसरी बात यह है कि क्या ओवैसी के इस बयान से क्या फर्क पड़ता है। ओवैसी के इस बयान के बाद पूरे संसद भवन का माहौल बिल्कुल बदल सा गया। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इस पूरे बयान के बाद ओवैसी और देश को लेकर के जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, उसमें सबसे अधिक फायदा अगर किसी को है तो ओवैसी को है। ओवैसी वैसे भी भारत के लिए एक चर्चित चेहरे हैं, भारत से बाहर भी उनको जाना जाता है। मिडिल ईस्ट से लेकर के जब पूरे, अगर हम इस्लामिक कंट्रीज की बात करेंगे, इसराइल और पैलेस्टीन के मामले पर जब बड़े बड़े इस्लामिक राष्ट्र मौन साधे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में भारत की संसद में जा करके और उसके संसद पटल से ओवैसी का ये बोलना, जय फलस्तीन, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। आपको बताएं, इसके बाद स्थिति इतनी बदल जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। विश्व जगत में अगर इंटरनेशनल ब्रांड मोदी बनकर के उभरे हैं, तो ओवैसी भी इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में जाने जाएंगे। बात यह आती है कि इस पूरे प्रकरण में क्या फायदा भाजपा को कितना है और नुकसान कितना है। तो आपको बता दें कि जिस दिन से संसद का सत्र शुरू हुआ है, यानी सदस्यों ने शपथ लेना प्रारंभ किया है 18वीं लोकसभा की संसद में, उसके बाद से ही जिस प्रकार संविधान के प्रतियों को लेकर के बम्पर हंगामा गठबंधन दल कर रहा था, उसके बीच में ओवैसी के बयान ने पूरे के पूरे गठबंधन दल की सारी रणनीति को धराशाही कर दिया। आपको बताएं, जहां पर राहुल गांधी को अपना नेता बनाने की होड़ लगी थी, वहीं पर ओवैसी के एक बयान ने पूरे की पूरी राहुल गांधी की हवा ही निकाल दी। आपको बताएं, अब तो पूरा का पूरा संसद सत्र ओवैसी बना। फिलहाल पूरे के पूरे घटनाक्रम में ओवैसी इस 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के हीरो बनकर के उभरे हैं। और आपको बताएं कि मुसलमानों में वह सीटें जरूर न ला पाते हों, लोकसभा विधानसभा में उनके एमपी बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर बात मुस्लिम लीडरशिप की करेंगे तो ओवैसी इज आ नंबर वन। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए लाइव न्यूज 24। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ।